हेलो दोस्तों, अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये हमने एक इमरजेंसी लाइट बनाई है जो कि बैटरी से भी जलेगी और सोलर पैनल से भी जलेगी और आपको ये बहुत अच्छी रोशनी बना देगी। इससे हम एलईडी बल्ब जला सकते हैं। इस वीडियो को हम बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो इस लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए होगा, देखिए इस तरह का एक बॉक्स, ठीक है, और एक हमारा 70x70 का सोलर पैनल, एक हमारा बर्फी होल्डर और एक हमारा स्विच। और दोस्तों ये हमारा चार्जिंग प्रोटेक्टर है, इसका DP40 और ये 5 वोल्ट का LED और ये चार्जिंग जैक है। ये हमारी LED है और हमारी 1K की रेजिस्टेंस। और दोस्तों हमें इसके लिए चाहिए होगा एक डायोड 4007। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और हम दोस्तों सबसे पहले ले लेते हैं एक LED बल्ब और हम इस LED बल्ब को 5 वोल्ट का LED बल्ब बनाएंगे। तो इसके लिए हम इससे दोस्तों पहले हमें करना ये है कि हमें जो इसके अंदर का जो भी सामान है हमें वो निकाल लेना है। हम इसे एक DC 5 वोल्ट पे चलने वाला एक LED बल्ब बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छी रोशनी देगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बराबर जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों देखिए हमने इस तरह से इसका सब पार्ट्स अलग कर लिए हैं। अब हम इसके जो सर्किट है इसको भी इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने LED बल्ब को, अब ये इस तरह से हम इसके सोल्डरिंग से हम इसके जो तार लगे होते हैं इस तरह से हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम आपको ये 5 वोल्ट का LED बल्ब बनाना ही बताएंगे जिससे कि कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। और वीडियो को इसको बिल्कुल मत करिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहले हमें करना ये है कि LED बल्ब में देखिए हम ये दो इस तरह के वायरों को नेगेटिव पॉजिटिव को जॉइंट कर लेंगे। सोल्डरिंग बहुत अच्छी तरह से करेंगे, लूजिंग बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते हैं। देखिए इस तरह से ये हमने दो बल्ब में दो DC वायर जोड़ लिए हैं। इस तरह से हम इसको ये देखिए हम इसके हीट सिंक लगा लेंगे। अब ये देखिए 5 वोल्ट की DC LED प्लेट है, इसमें प्लस और माइनस दोनों लगे हुए हैं, तो ब्लैक वाले पे हम माइनस और रेड वाले पे प्लस को ज्वाइंट कर देंगे। इस प्लेट पे प्लस और माइनस दोनों ही लिखे होते हैं जिससे कि आपको कनेक्शन करने में कोई दिक्कत कोई नहीं होगी। और ये प्लेट आपको दोस्तों 15 से 20 रुपये की बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी। बहुत ही आसानी से हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका सामान आपको बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल सकता है और ज़्यादातर घर पर ही सामान आपको मिल जाता है। दोस्तों देखिए ये हमने इसमें तरह से प्लस और माइनस ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से चिपका देंगे। ये देखिए हमारा DC 5 वोल्ट का LED बल्ब तैयार हो गया है। अब दोस्तों हम आपका ये देखिए ये हमारा चार्जिंग प्रोजेक्टर है जो चार्जिंग को कंट्रोल करता है, ओवर चार्ज वगैरह सबको रोकता है। इसमें देखिए हमें किस तरह से कनेक्शन करने हैं वो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों इस PCB का नाम है DP4056। DP4056 इस LED का नाम है। इस DP4056
इस प्लेट का नाम है जो कि चार्जिंग के काम में आती है। इस प्लेट का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये देखिए इस तरह से हमने दो वायर जोड़ दिए जो कि हम बैटरी में जाएंगे, प्लस और माइनस हम बैटरी में दे देंगे, ठीक है। प्लस प्लस में दे दिया जाएगा। ये हमें 3.7 वोल्ट की बैटरी है और दो वायर इसी पे हम और जोड़ लेंगे जो कि हमारे सोलर पैनल में जाएंगे। देखिए प्लस पे प्लस और माइनस में माइनस हम जोड़ लेंगे। आपको इसके कनेक्शन करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि इस प्लेट में सब कुछ बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है जहां आपको कनेक्शन करने होते हैं। देखिए दो वायर हमने और जोड़ लिए जो कि हमारे ये सोलर पैनल में जाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें करना ये है, ये हमने इसमें कनेक्शन कर लिया। अब हमें दो तार इसके आउटपुट पे जोड़ने हैं। देखिए प्लस की तरफ प्लस और माइनस की तरफ माइनस आउटपुट, यानी कि जो जिससे हमारा एलईडी बल्ब को हम जलाएंगे वो हमें इस प्लेट पे आउटपुट लिखा होगा। तो आउटपुट में हमने दो तार ये जोड़ लिए, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस, जो कि हम होल्डर पे कनेक्शन करेंगे। और ये दो वायर हमें इस पे जोड़ने हैं चार्जिंग जैक पे लिए। यहाँ से हम चार्जिंग जैक को करंट देंगे। इस प्लेट के कनेक्शन करने में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस पर सब कुछ साफ साफ लिखा होता है कि कौन से वायर हमें कहाँ लगाने हैं। ये देखिए दो वायर हमने यहाँ जोड़ लिए हैं जो कि हमारे चार्जिंग वाले जैक पे जाएंगे। ये देखिए हमने प्लेट के कनेक्शन सब कर लिए हैं। आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं किस तरह से हम कनेक्शन करेंगे। ये देखिए दो तार हमारे बैटरी पे, दो पैनल पे और दो हमारे आउटपुट पे। ये देखिए हमारा सोलर पैनल है, 70x70 सोलर पैनल है। ये बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसमें ये सुराख कर लेते हैं सोल्डरिंग आयरन से, जिसमें हम ये चार्जिंग वाला हमारा जैक लग जाएगा। चार्जिंग वाला जैक हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें छोटी वाली लेग माइनस है और बड़ी वाली प्लस है। चार्जिंग वाला जैक आपको जहाँ सहूलियत हो वहाँ लगा सकते हैं, हम साइड में लगा दे रहे हैं। ये देखिए और इसे हम अच्छी तरह से फेविक्विक वगैरह से चिपका भी सकते हैं। देखिए हमारे चार्जिंग वाले जो वायर निकाले थे हमने, उसको हम इसमें प्लस छोटी लेग में माइनस ब्लैक वाला वायर और बड़ी लेग में हम प्लस वाला वायर ज्वाइंट कर देंगे। सोल्डिंग अच्छी तरह से करेंगे और जो भी हम इसमें जहाँ भी हमें फेविक्विक से चिपकाना होगा वहाँ से हम इसको फेविक्विक से चिपका देंगे, जिससे कि कहीं पर भी कोई लूजिंग ना रहे। ये देखिए इस तरह से, और दोस्तों इसको भी हम अच्छी तरह से चिपका देंगे। इसे हम डबल टेप से भी चिपका सकते हैं सर्किट को, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ये देखिए हम इसमें डबल टेप लगा लेते हैं, डबल टेप से भी बहुत अच्छा चिपक जाता है। ये चिपक गया हमारा। अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए हमारे दो वायर जो आउटपुट वाले होल्डर पे जाते हैं, इसमें गार्ड बांध के अलग कर देंगे। और जो हमारे चार वायर थे, दो इसमें थे प्लस माइनस बैटरी पे दे देते हैं। ये देखिए प्लस में प्लस और माइनस माइनस, हम इसमें 3.7 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, इससे कि हमारा अच्छा बैकअप मिल जाएगा। आप चाहो तो किसी मोबाइल की पुरानी बैटरी भी लगा सकते हो, जिससे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी और आपको अगर सही बैटरी है तो अच्छा बैकअप मिलेगा। देखिए इसको भी हम इसमें अच्छी तरह से चिपका देंगे, इसमें भी डबल टेप से हम चिपका देंगे। हम जो भी सब आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो ना। देखिए दो वायर हमारे ये जो बचे थे आउटपुट वाले वायरों को छोड़ के, दो वायर जो हमारे हैं ये हमारे पैनल पे भी आ जाएंगे। पैनल पे दोस्तों हम क्या करेंगे, पैनल पे हम प्लस वाले पे ये हमारा 4007 डायोड है, इसको हम इस तरह से लगा देंगे प्लस वाले पे, जिससे कि हमारा जो हमारा चार्जिंग वाला बैटरी वाला करंट है वो हमारा वापसी ना दे, वापसी ना आए। ये देखिए प्लस पे लगा दिया हमने डायोड का माइनस और प्लस, देखिए हमने इस तरह से इस पर लगा दिया। अब दोस्तों हमें
जो हमारे सोलर पैनल को हमारे चार्जिंग होगी तो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए भी हम देखिए हम प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस डायरेक्ट डायोड के जरिए नहीं डायरेक्ट जोड़ ले रहे हैं। ये हमारी एलईडी है ये, और ये हमारी 1K की रेजिस्टेंस, हम इसको उसमें ज्वाइन कर लेंगे प्लस वाले पे। वो हम इसलिए इसमें लगाएंगे जिससे कि हमारे सोलर पैनल से जब हमारा ये चार्ज हो तो हमें पता चल जाए, इंडिकेटर जल जाए। ठीक है, इस तरह से हम जोड़ लिए। अब हम इसमें प्लस में प्लस, एलईडी में भी प्लस माइनस होता है इसलिए एलईडी में प्लस और माइनस में माइनस लगा देंगे। दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, अगर वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ये देखिए, ये हमारी देखिए एलईडी हमारी जलने लगी है पैनल, क्योंकि हमारी थोड़ी लाइट पैनल पे पड़ रही है इससे ही हमारी एलईडी देखिए दिख जाएगी आपको। देखिए पैनल पे हमारी लाइट, ये देखिए हमारी एलईडी जल रही है, ये दिख रही है एलईडी। हम आपको सही से दिखा देते हैं लाइट बंद कर, देखिए हम जब पैनल पे लाइट पड़ रही है देखिए हमारी जल रही है। ठीक है, हम मोबाइल की टॉर्च पैनल पे देखिए डालेंगे तो हमारी एलईडी जल रही है। ये देखिए हमारा, ये देखिए हमारी, हमने मोबाइल की टॉर्च से पैनल पर डाली तो हमारी एलईडी जल गई। तो इसका मतलब हमारा पैनल काम कर रहा है, सोलर पैनल काम सही कर रहा है। आइए हम जो इसके बाकी कनेक्शन रह गए हैं वो आपको करके दिखा दें और प्रोजेक्ट को बिल्कुल कंप्लीट करके आपको ओके करके दिखा दें। ये देखिए हमारी जो ऊपर की इसकी शीट है, अब हमें करना ये है हम इसमें होल्डर स्विच और पैनल को लगा के कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें ये होल्डर लगा लेते हैं, हम इसमें बर्फी होल्डर भी कहते हैं, तो हम इस होल्डर को इसमें कस लेंगे जल्दी से। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें एक ऑन ऑफ स्विच कसेंगे। ये देखिए हमारा ऑन ऑफ स्विच है, ये हम ऑन ऑफ स्विच कस लेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो हमारी वीडियो को, जिससे कि और लोग भी कुछ सीख सकें और लोगों को कुछ मदद मिल सके। ये देखिए दोस्तों, अब हम सोलर पैनल के कनेक्शन कर लेंगे। दोस्तों ये दो वायर जो हमारे, जहां हमने चार तार लगाए थे वो दो वायर जो हमारे सोलर पैनल पे आने थे, तो सोलर पैनल में हम प्लस दे देंगे डायोड पे। हमने पहले बताया था डायोड पे, हमें बता दिया था डायोड पे हम जो प्लस दे देंगे और माइनस दे देंगे हमारा डायरेक्ट जो माइनस है। ठीक है दोस्तों, ये दे दिया है और ये हमारी एलईडी के हो गए कनेक्शन। अब दोस्तों हमें करना ये है, अब हम करेंगे ये हमारा जो आउटपुट है, जो हमारी आउटपुट आ रही है डीपी 4056 से, वो हम दे देंगे निगेटिव दे देंगे डायरेक्टली होल्डर को, निगेटिव डायरेक्टली होल्डर को दे देंगे बर्फी होल्डर को, और जो हम इसका प्लस है वो देंगे हम स्विच पे। ठीक है दीदी, ये हमारा प्लस है, जो इसका प्लस हम देंगे स्विच पे, स्विच पर देखिए हमने प्लस दे दिया है। ठीक है दोस्तों, और स्विच से प्लस काट के हम दे देंगे होल्डर को। बहुत ही अच्छा ये दोस्तों प्रोजेक्ट है, इसको अगर तैयार करेंगे घर पर ही बहुत आसानी से और बहुत कम रुपए में आप एक अच्छी बैकअप वाली इमरजेंसी लाइट बना सकते हैं। ये दोस्तों देखिए, हमने स्विच से प्लस काट के होल्डर को दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम एलईडी कहाँ लगानी है आपको जहाँ अच्छा लगे लगा सकते हैं। हम आपको उसको यहाँ पर सुराख करके आयरन से और यहाँ पर इस एलईडी को फिट कर देंगे। ये एलईडी हमारी दोस्तों है जो हमारा सोलर पैनल से धूप से चार्ज होगा तो ये एलईडी हमारी चलेगी। ठीक है जी, इस सोलर पैनल को हम इस जगह पर चुपका लेते हैं। हम पेचों से भी दोस्तों से टाइट कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी आपको चुपका के दिखाएंगे।
ये देखिए डबल टेप से दोस्तों हम इसको चिपका लेते हैं इस तरह से, डबल टेप अभी पेचों से भी टाइट हो जाता है लेकिन हम डबल टेप से लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने लगा दिया पैनल और हमारी देखिए सोलर पैनल से लाइट जल रही है, ये देखिए चार्ज हो रहा है सोलर पैनल हमारा, हमारी लाइट थोड़ी पड़ी। और ये देखिए हमारा चार्जर से भी हम आपको चार्ज बंद करने से पहले चार्जिंग दिखा देते हैं। देखिए हमने चार्जर लगाया है और जो हमारा जो DP4056 में जो एक छोटी सी LED है वो जल रही है, इससे हमारा पता चल रहा है कि हमारा चार्जर से हम जब इसे चार्ज करेंगे तो हमारी ये कि लाइट जल रही है। ठीक है, आइए हम इसे बंद कर लेते हैं, दो पेच लगा लेते हैं और फिर हम आपको इसे चेक करके बताएंगे बहुत आसान तरीके से। बहुत ही अच्छा बैकअप है इसका, आप इसमें चाहे तो दो बैटरी भी लगा सकते हैं और अच्छा बैकअप हो जाएगा इसका। ये देखिए चार्ज कर रहा है पैनल से, काम कर रहा है और ये देखिए रोशनी ज़बरदस्त रोशनी है, 7 से 9 वाट की इसकी रोशनी है, बहुत अच्छी रोशनी है। हम अंधेरा करके आपको दिखाई देते हैं, एक रूम के लिए एक अच्छी रोशनी है इसकी और बहुत ही अच्छा बैकअप मिलेगा आपको इसका। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा बैकअप मिलेगा। आइए हम इसको देखिए, पूरी लाइट हमने बंद कर दी है, फिर हम आपको उसकी रोशनी दिखा रहे हैं, एक बहुत अच्छी रोशनी है ये दोस्तों। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी रोशनी है ये देखिए। हमने कमरे की पूरी लाइट बंद कर दी है और हमारा ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है ये देखिए दोस्तों, रोशनी आप खुद दे सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बराबर जो घंटी का निशान उसको दबाना न भूलें। हम ऐसे ही प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छे अच्छे लाते रहेंगे। थैंक यू।